पाप यानी मैक्स और सवितार उनके ऊपर आता है। देखेंगे कि दो कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने सवितार को चमत्कार करते देखा है। मेरा वार का वो गेम था, अगर आपको याद हो, देखा देख लगातार खिलाड़ी आते गए खिलाड़ी जाते गए, बट यहाँ पर रेवरेंट के सेंसेई क्या वो जाने वाले हैं लॉबी से बाहर, बिकॉज नॉकआउट तो उनका आता दिखा, पर कंफर्मेशन के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश वाली पहली टीम बनती हुई। ये खार के खिलाड़ी सिर्फ नाम ही फियर्स नहीं, काम से भी फियर्स है, फियरलेस है और फ्यूरियस भी है। चार फिनिशेस इस खिलाड़ी के खाते में आ चुके हैं। सामने की तरफ खिलाड़ी आ गए हैं, टीम जीरो का स्क्वाड पुश करता हुआ नजर आ रहा है। फियर्स चार फिनिशेस टीम विंगार्ड के ऊपर तो निकाले हैं, क्या अब टीम जीरो की बारी है? हालांकि अभी के लिए मैन पावर का एडवांटेज और चलिए इसी बीच हम ले रहे थे, नॉक होते हुए नजर आए। एडी अंदर पुश करेंगे, जंप शॉट देने की कोशिश एक्वा द्वारा, एडी को डाउन किया गया। लास्ट कनेक्शन S12K का समापन का मतलब यहां से के भाई, जहां पर मैंने पहले ही कहा था कि टीम हाइड्रा थोड़ी दिक्कतों में थी और लीजस तीन खिलाड़ी जीवित हैं, नौ फिनिशेस खाते में आ चुके हैं, लेकिन टीम जीरो के काइलो एक अच्छा खासा चैलेंज पुट अप करते हुए कार्निवल गेमिंग के लिए। वी हैव द लास्ट फोर टीम्स नाउ, नौ फिनिशेस यहां ओरांगुटान के खाते में, एक एओपी फुल बजर्क मोड पे जा चुके हैं। सर्कल का एक अच्छा एरिया पकड़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन अभी देखिए गाड़ियों का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल। उनको पता है अब गाड़ी का सहारा लंबा रोटेट करने के लिए तो चाहिए नहीं, इसीलिए कवर बना रहे हैं वहां पे। कार्निवल गेमिंग को स्पॉट कर लिया गया है टीम जीरो द्वारा, कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। काइलो इस मुकाबले में की प्लेयर का रोल अदा करते हुए, बट सबसे खास बात यह है कि चारों खिलाड़ी कलेक्टिवली खेल रहे हैं। और काइलो की तारीफ की तो एक और नॉक फिनिश देखने को मिल रहा है। कार्निवल गेमिंग के अक्षत को भी शट डाउन कर दिया गया है, छह फिनिशेस काइलो के खाते में आ चुके हैं। 12 भी नजर आएगी। देखना यह कि जो आप एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे टीम जीरो आपको पीछे भसती और बनती नजर आएगी, क्या वो चीज एक्चुअली होने वाली है? बिकॉज मुझे तो टीम जीरो अभी के लिए एजेस के एरिया के अराउंड जाती दिख तो रही है, बट हाँ तमिलास के स्क्वाड ने रीसेट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, आपको रीसेट का मौका नहीं देना चाहिए। एक तरह से तमिलास की नेट चली आइजल साहब की, दूसरे तरफ AKOP भी यहाँ पर बनता यहाँ कुछ करे बहुत सारा मिलेगा। बट डीजे स्काउट ने एक इनिशियल पहला कलेक्शन निकाला, इज गोइंग फॉर द सेकंड वन, डैमेज तो काफी तगड़ा दिया, आराम से गिरा सकते हैं। ओह माय गॉड, आखिरी खिलाड़ी की तरफ गए, वह नहीं उन्हें डाउन किया जाएगा और वही